अस्सलाम वालेकुम। कोई भी फील्ड हो जहाँ पे मेल्स काम करते हैं वहाँ पे फीमेल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ वैसे ही होती हैं, और अगर हमारी फील्ड की बात की जाए जितनी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वहाँ पे मेल्स की निस्बत फीमेल्स का तनासब थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ सभी के लिए इक्वल होती हैं। और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, इवन बिग फोर में पार्टनर्स भी फीमेल्स हैं, तो वहाँ पे थोड़े से कंसर्न्स भी होते हैं। इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पहले कांटेक्ट किया था और आज फिर उन्होंने कांटेक्ट किया। फॉर एग्जांपल अगर कोई फीमेल है, उन्होंने अपने कैफ क्वालिफाई किया और उन्होंने एक सिटी से, फॉर एग्जांपल बिग सिटी में उनका घर नहीं है, उन्होंने बिग सिटी में आना है, अपनी ट्रेनिंग करनी है, और ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने हॉस्टल में भी रहना होगा या एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में मूव करना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। और फिर वर्क प्लेस पे कोई हैरेसमेंट के केस, तो इसको किस तरह से डील किया जाए, इसमें हमारी क्या गाइडेंस होगी। देखिए यहाँ पे ना दो पर्सपेक्टिव हैं, एक मेल का पर्सपेक्टिव जो मैं आपके सामने रखूँगा, और फीमेल्स के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, वो मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रा डिटेल में बता दूँगा। अच्छा, एक बात ये मैं आपको बताता जाऊँ कि जितना मैंने देखा है, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट में रहते हुए समझाऊँगा, जितना मैंने देखा है ऑडिट फर्म में रहते हुए, बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है फीमेल्स को। और जहाँ तक हैरेसमेंट की बात है, तो ये केसेस जहाँ हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, यहाँ पे गाइडेंस मेरी सभी जितनी भी फीमेल्स हैं उनके लिए सिर्फ एक ही गाइडेंस होगी कि अगर आपको लगे कि आपके साथ थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है या कोई भी पर्सनल हो रहा है, तो आप उस फर्म के या उस ऑर्गेनाइजेशन के HR के डिपार्टमेंट से जितनी जल्दी हो सके कॉन्टैक्ट करें, और उनको जो भी पर्सन आपके साथ कोई इस तरह की बात करे उसको उसी टाइम शट अप कॉल दें। अगर आप उस टाइम चुप कर जाओगे तो ये आपके लिए खुद नुकसानदेह की बात होगी। ये बात होगी जहाँ तक बात है कि ऑडिट फर्म में रहते हुए पर्टिकुलरली ऑडिट डिपार्टमेंट की बात की जाए, तो हाँ होता है कि आप एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट मूव कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, क्लाइंट पे जा रहे हो, तो ये मूवमेंट होती है और इसके ऊपर थोड़े एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं जो कि फर्म या क्लाइंट बियर कर लेता है। पहली ये बात होगी अफोर्डेबिलिटी वाइज। जहाँ तक हॉस्टल की बात है, तो अगर दूसरी स्टडीज़ हों तो वहाँ पर भी तो हॉस्टल के चार्जेस बियर करने हैं, तो इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी बियर करने पड़ेंगे, ये तो बात सेपरेट हो गई। अच्छा, जहाँ तक बात है आप क्या कहो कि हाँ भी बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ऑडिट फर्म में सिर्फ ऑडिट का डिपार्टमेंट नहीं होता, वहाँ पे टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी है, एडवाइजरी डिपार्टमेंट भी है। इवन अगर आप ऑडिट के आर्टिकल्स को बिल्कुल छोड़ दो, भाई आप कंसल्टेंसी के आर्टिकल्स को बिल्कुल छोड़ दो, ऑडिट फर्म को छोड़ दो, तो आप इंडस्ट्री में मूव कर लो। बैंक में आर्टिकल्स कर सकते हो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे आर्टिकल्स कर सकते हो, एक कॉर्पोरेट कल्चर भी है, 9 to 5 जॉब भी है, सैटरडे एंड संडे ऑफ भी हैं, तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और वहाँ पे स्टाइपेंड भी थोड़ा ज़्यादा होगा अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए। ऑडिट फर्म में तो थोड़ा स्टाइपेंड कम होता है, लेकिन जो जहाँ पे आप ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस जिनमें ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, जहाँ पे आप ऑडिट की प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए उसकी एक्टिविटीज़ को देख रहे होते हो, या वहाँ पे जो फाइनेंस ऑडिट जिस डिपार्टमेंट भी आप होगे उस नेचर का आप काम कर रहे होते हो, तो वहाँ पे आप अपने आर्टिकल या ट्रेनिंग को देख सकते हो। ये तो बात हो गई मेल पर्सपेक्टिव से कि कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं हर जगह पे, जहाँ पे भी आप जाएं अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। एक्चुअली आपने खुद देखना है कि आप अगले बंदे को किस तरह से टैकल कर रहे हो, पहली ये बात होगी। अगर फीमेल के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, तो हमने बड़े डिटेल में उनके साथ इंटरव्यूज़ किए हुए हैं, तो मैं दो इंटरव्यूज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक मिस रिदा नकवी हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, और एक मिस है मिस फौजिया सफदर, वो भी पाकिस्तान से बाहर ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। दोनों फीमेल्स हैं, काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रही हैं, पाकिस्तान से बाहर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो आप वीडियोज़ देख लें, इंटरव्यूज़ देख लें, इंशाल्लाह आपको सेटिस्फेक्शन होगी और आपको कोई भी इशू नहीं होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।